मैं मुल्ला शाह अब्दुल हक साहब और दरबे रजा की जानिब से आपका बेहद मशहूर हूँ कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं कि उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पर पहरा देने के लिए आप जैसा मुखलिस सच्चा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहादुर और दीनदार कायद हमें अता फरमाया, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के सोए हुए शऊर को बेदार कर दिया। मेरी आपकी खिदमत में दो गुजारिशात हैं। पहली, इलेक्शन में ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाए जिनका हस्ब व नसब सादात और अहले बैत के घराने से हो। इनमें भी फौकियत उनको दी जाए जो दीनदार हो, आलिम हो या अपने फन में आला सलाहियत रखते हो, ताकि दीन निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं सादात की बरकत से तख्त पर लाया जाए। दूसरी गुजारिश यह है कि आप अपने पकवान में फिक्र रजा के इस पहलू को भी उजागर करें कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत एहतराम लाजिम हो, जैसा कि हजरत जुनैद अल-बगदादी का वाकया है, जिस तरह हजरत जुनैद अल-बगदादी सैयदजादे से कुश्ती हार गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की वजह से आला हजरत अलशा अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की पालकी से उतर गए और सैयदजादे के एहतराम पे, लिहाजा आप इस नौजवान नस्ल को भी इस तालीम से आगाह करें ताकि वो अपनी दुनियावी और आखिरत को संवार सके। आपको हजरत पीर तरीकत वली नेमत इब्राहिम सैयद शाह तराबुल हक साहब फाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने नश्तर पार के जलसे में अपनी जिंदगी में हमारा इमाम बनाया। तहरीक के हवाले से कोई भी खिदमत हो, जब भी आप हुक्म फरमाएंगे हम लबैक का नारा बुलंद करते हुए और उसके तमाम वापस इकराम की हिमायत आपके साथ है। इंशाअल्लाह 2018 निजाम मुस्तफा के निफाज का साल होगा। इंशाअल्लाह।